अरे भाई, आपने मुहिम शुरू की थी मुमरा में कब्रस्तान को भ्रष्टाचार बदनवानियत से बचाने के लिए, एक मुहिम छेड़ी थी। मुमरा में कब्रस्तानों का क्या हाल है? वो फिलहाल तो अभी कुछ ज्यादा मालूमत नहीं है। हाँ। बाकी मैं ये बोलूंगा कि 2012 में अलाट हुई हुई जमा है जमीन। हाँ। हाँ। हम लोग 2018 में दावा किए थे। हाँ। अभी वो तो अभी ऐसी लटक रही है। हाँ। उसकी बात तो आगे कुछ अभी करने जैसा कुछ है नहीं। हाँ। वो बात की बात है। हाँ। क्या होगा? हाँ, बाकी बोलो। बाकी ये है कि अभी आपने जो है दरगाह के कब्रस्तान की जो है वो मरम्मत और इस्लाह किया था। अब कब्रस्तान बंद है दरगाह का, उसके सिलसिले में आप कुछ बता पाएंगे? नहीं नहीं वो उसके बारे में तो क्या, हमने तो पहले प्रपोजल लेके गया था अपने मुनाफ सिद्दीकी के साहब के हिसाब में। हाँ। वो प्रपोजल उन्होंने बोला बॉस को पूछेंगे। हाँ। वो अभी तक बॉस को पूछ रहे। अच्छा। हाँ, अभी वो देखो वो बगैर भरने का कुछ होना नहीं है। हाँ। और खर्चा है बहुत लंबा चौड़ा। और उधर फिर लोग उल्टी बात करते हैं कि भाई आरिफ भाई ने क्या किया था, खाली मट्टी पलटी किया और चले गया। और बाद में अपने ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम। हाँ। बाद में घर पे नोटिस है। बराबर। तो ये काम करेगा कौन? अच्छा एक बात बताइए, आपको जब जो है कायद बनाया था, पूरी मिल्लत ने बनाया था कि आप कब्रिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। हाँ। ये एक मसला जो है ना, आपने यहाँ पे मिट्टी भर दिए थे। एक दूसरा मसला जो है, वहाँ पे कौसा में एमएम वैली के पास कब्रिस्तान है, वहाँ पर दलदल की जमीन है, उसके सिलसिले में बताइए। अरे भैया, जब इधर इधर रोज जमीतुल मुस्लिमीन पोस्टर के अंदर देती थी कि आज इतनी कब्र की जगह है बाकी है, इतनी जगह की बाकी है। जमीतुल मुस्लिमीन 30 साल से है। 30 साल से रहने के बाद इनको इनको मालूम है कब्रस्तान तो भरना है। हाँ। पर अल्टरनेट उनको ढूंढना चाहिए ना। बराबर। हमको थोड़ी ढूंढना है। हाँ। हम तो कोशिश करते हैं इन्हें पब्लिक की नुमाइंदगी के हिसाब से। हाँ। और जिम्मेदारी जमीतुल मुस्लिमीन की है। हाँ। हमारी कई की जिम्मेदारी है। हाँ। हमने तो जितना हुआ है उतना किए काम। हमने कई बरसों ने जमीतुल मुस्लिमीन में रह के काम किया, नहीं रह के काम किया है। हाँ। कोई बोल देवे। हाँ। नहीं नहीं अरे भाई, जब आप जैसे लोगों को कौम ने मिल्लत ने चुना कि आप हमारे कायद हो, तो फिर ये मसाइल का कोई मिल्लत ने हमको चुना नहीं है। अरे खाली खाली कुछ लोग खाली विश्वास करते हैं। हाँ। कि आरिफ भाई जो करेंगे वो ठीक करेंगे। बाकी हम कोई इधर के लीडर भी नहीं है, सदर भी नहीं है। हाँ। 2012 के अंदर जब कब्रस्तान आप पे विश्वास किया, आपने इतनी मिट्टी भरी, एक बात सुन लो, आप पे भरोसा किया। 2012 में नया कब्रस्तान इशू हुआ था जी, जब 2018 तक सब अपने वाले सोए थे। हाँ। हाँ, बाद में 2018 के बाद हमने खड़े हुए। हाँ। फिर वो सब ऐसे ही लटक रहा है। डाला था, डाला था, अभी सब ऐसे ही लटक रहे। अच्छा, तो उसका कोई मसला है? बाल पकाई का मसला हल होना है। हाँ। वो 25 बरस में भी नहीं होगा, कोर्ट केस है, सिविल केस है। वो कब्रस्तान पे इमारत तामीर हो जाएगी? अरे वो अपने को नहीं मालूम है, अपने पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि अपन जाके घड़ी घड़ी जाके देख के आवे। अच्छा। हाँ, तो अब इसका ये नहीं है मसाइल, जैसे मुमरा में जो है ना अहले सुन्नत वाल जमात के लिए 6 या 7 जो है ना कब्रस्तान की अराजी है, जगह है, वो उसमें से 3 जो है दिखाई दे रहे हैं। हाँ। उसमें से 2 जो है वो मखसूस हो गए, एक तो कौसा का जो है ना मखसूस लोगों के लिए। हाँ। और दरगाह का बंद है बता रहे। वो दरगाह का बंद है तो बंद रहना ही है भाई, वो अभी चालू भी होगा अगले 1-2 महीने के बाद, तो वो 50-60 मैयत दफना के बंद कर देंगे फिर। अच्छा। क्योंकि उधर भरने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा। और उधर देखो दरगाह पे पूरा पूरे कसाईवाड़ा खुल गया है, मटन की दुकानें खुल गई है, पूरा आप उधर जाके देखो, पूरे कब्जा ही कब्जा है। अभी उसको क्या करोगे आप? तो यानी फिर लोग वही जो लोग नहीं चाहते हैं उनको मजबूरन दलदल में दफन करना पड़ रहा है, जिसके बारे में खुद जो एक सियासी जमात के कारकुनों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाया कि गलत मिट्टी डाल दी गई। एक बात बताओ जी, ये लोगों ने मिट्टी डाला। हाँ। ये लोगों ने मिट्टी का काम लिया। हाँ। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। मैं हर गाड़ी कोई चेकिंग करने जाता नहीं था, मैं कोई बड़ा छोटा था नहीं उधर जी। और क्या मैं चेकिंग करूँ कि क्या हो रहा क्या नहीं है जी? इधर से ये लोगों ने मिट्टी भरा, उधर खाली किया, उधर भरे। अब अपने को इससे आगे कुछ मालूम नहीं है। अब ये लोग खुद ही बोल लेते अपने को आगे कोई कुछ पता नहीं है भाई उधर का। आप मुमरा के वासी हैं, आपको जाना चाहिए दरगाह के कब्रस्तान में, वहाँ पे आपको जगह नहीं है। जो दरगाह का यानी मुमरा का जो कब्रस्तान था वो कौसा में मुंतकिल हो गया, वहाँ पे जिम्मेदार भी कौसा वाले बन गए। मुमरा वालों को तो टुल्लू मिल गया ना? अरे तो मिलना ही है मुमरा में टुल्लू। कब मिले? आए कोई दावेदार है नहीं, कोई है क्या तुम बताओ? कोई सामने आता है मुमरा में? तो हमारे सिवाय कोई नहीं आता है। तो ये अब अकेला आदमी करेगा क्या, दूसरा कोई नहीं करेगा? अच्छा, हर वक्त
कब्रिस्तान 1988 से काम किया हमने बाउंड्री का, बिल्कुल उस टाइम में भी बाहर से पैसा आया। हाँ। अब दरगाह की मस्जिद 100 दिन में ग्राउंड फ्लोर तामीर हुआ। अच्छा। उस दिन में भी 70% लोगों का बाहर का पैसा आया। जी। हाँ? अभी जो मट्टी भरनी किया वो भी 70% बाहर का पैसा आया। अच्छा। मुंबई का। हाँ। क्या मुमरा से, क्या मुमरा का कोई हक लगता नहीं है क्या? अच्छा, मुमरा के लोगों को देना चाहिए ना, किया ना मुमरा। अरे क्या लोगों ने किया? अच्छा। अरे वो करते है तो पीछे जंगली करते हैं कि वो है ये है। अच्छा। हमने जब भी बीच में एक मीटिंग वो किए थे कि भाई कोविड का जमाना है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, हमने जितेंद्र वार्ड साहब के पास गया था, आप लोग सब गए थे, हमने खबरें बनाई थी, हमने आप सबने हम गए थे जाके, हमने बोला कि साहब ये जगह का क्या, वो भी बाबा जी का चुल्लू हो गया। अरे मेरी बात तो सुनो तुम, उन्होंने बिठाया कर हमको कि भाई वो सानू पठान साहब वो सब लोग साथ में, सब साथ में घूमे, 8-10 जगह देखे। हाँ। कोई जगह समझ में आ रही नहीं थी। 2107 में भी लेके गए, वो भी अपने को समझ में नहीं। शानू पठान वगैरह जो है सियासी कायदे है, आप लोग कौन कायदे का, तो मुसलमान तो है। हाँ। मुसलमान तो है, तो फिर ये क्यों ऐसा हो गया कि वो दिखाए सब? नहीं नहीं दिखा, अरे आप समझो तो सही, हमारी बात तो सुनो जी। हम क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पूरे के कब्रिस्तान देखने गए थे कि कहीं जगह मिल जाए। हाँ। लोग बोलते थे कि आप झगड़ा करोगे, झगड़ा करके आप जगह ले लोगे। हाँ। कोविड का जमाना है। हाँ। वहाँ कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। हाँ। जगह बनाना है। अच्छा। वो लड़ाई झगड़े के लिए जाना नहीं था। हाँ। वो जाना था इसलिए कि जगह के लिए। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो मेरे पास 107 में आप जगह देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो आप वो ले लो, फिल वक्त मेरे पास जगह नहीं आ रही। भाई मैंने खुला खुला पूछ लिया। अच्छा। उन्होंने वो जवाब दिया, मैंने इसके बाद खामोश हुआ। इसके पहले तो व्हाट्सएप पे चालू हो गए कि इतना पैसा खा गए, कितना जितेंद्र अवार्ड से सौदा हुआ, क्या हुआ। अरे हमने तो खाली जगह देखने के लिए गया था। तो ये सांप के पुंडुर में हाथ कौन डालेगा? बराबर बराबर। ये बदनामी कौन लेगा? ये तो जो अमृत नगर की कब्रिस्तान है, ये तो जमीयतुल मुस्लिमीन का काम है, जो कि वो भरनी करे। अच्छा। अब हम घड़ी घड़ी क्या करे? नहीं तो अब इज्जत देना, जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में, आप घबराते क्यों हैं? आप जब कौम के कायदे, तो आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। नहीं नहीं, अपन आगे आगे जमात को बढ़ना चाहिए, मेरे क्या पड़ेगा? वो एक हाथ बढ़ाएगा तो आपके दोस्त है नईम खान, जाके आप हाथ नहीं, 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 हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ। सब हमारे भाई है। हाँ। हम कोई मेरा मुमरा के अंदर दुश्मन नहीं है। हाँ। लेकिन एक ही बात है कि प्रिंसिपल का झगड़ा होता है अपना, उसूलों का झगड़ा होता है। उसूलों के बात के अलावा अपन कोई बात ऐसा नहीं करते। अच्छा। उसूल नहीं मिलता है, हम हमारे रास्ते पे चले जाते हैं, उनके रास्ते पे चले जाते हैं। आप लोगों के उसूलों के टकराव की वजह से मिल्लत जो है बड़ी परेशान है, उसके लिए क्या करना चाहिए बताएं? नहीं नहीं, उसके लिए तो जमीयतुल मुस्लिमीन अपना काम शुरू करे, फिर हम देखते है कि हमारे से क्या हो सकता है, हम क्या ताउन दे सकते है। पहले वो काम तो शुरू करे। अच्छी बात। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? नहीं नहीं, संदेश क्या देना चाहिए, जमीयतुल मुस्लिमीन को काम चालू करना चाहिए। हाँ। या तो दफनाना चालू करना चाहिए। अच्छा। अभी इससे क्या ज्यादा बोलो, 100-180 का मैयत है तो आप दफना सकते हो। हाँ। क्योंकि पुरानी जो कब्रें है 20-20 साल से नहीं खोदी हुई है। हाँ। उसको आप खोद के दफनाना शुरू करो। अच्छा। अल्लाह मालिक है। हाँ। अल्लाह मालिक है जो आगे क्या काम होता है। अच्छा। मुमरा वालों के लिए जो मुसन्ना मियां के मुतालबे के बाद में जो जगह मिली है टीएमसी की, वो कौन सी मुंतकिल हो गई? कौन सी? ये जो यहाँ पर अमृत नगर मित्तल में जो मिली थी जगह। अरे उसका तो मैंने बोला ना, फातिया हो गया। अच्छा। फातिया। अभी 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 10-20 साल लग जाएंगे उसको। अरे अल्लाह। हाँ। यानी 2-4 MLA यहाँ से गुजर जाएंगे उसके बाद। 25 MLA गुजर जाएंगे। ये कौम को गुमराह करने के लिए जो है ना एक अच्छा झांसा हुआ ये, कोई भी दावा। अरे भैया इधर जो है जी, इधर अपने बस की बात नहीं है। हाँ। मुमरा का काम अपन नहीं कर सकते। हाँ। अपने से जो होता है अपन करते हैं। वो PIL पड़ी है कोर्ट में। हाँ। वो जब आएगी, जब अभी कोविड का जमाना चल रहा है। हाँ। साल 2-4 साल तो तारीख ही भूल जाओ। अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का।